दिल्ली में ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन किया राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने, जिसमें करीब 80 संगठन शामिल हैं, जिनके लोग मुख्यमंत्री के घर की ओर निकल पड़े और रास्ते में लगे बैरिकेड को गिराते हुए आगे बढ़े। इससे पहले ये लोग तख्तियां और बैनर लेकर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने बैरिकेड गिराने के लिए पूरा दम लगा दिया। पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की लेकिन आखिरकार प्रदर्शनकारी बैरिकेड गिराने में कामयाब हुए। इन लोगों ने ठेकेदारी और निजीकरण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा और उन्हें खत्म करवाने के लिए मार्च निकाला। तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर इस तरीके से सीएम आवास के बाहर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस प्रदर्शन को करने वाले राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा में सफाई कर्मचारी यूनियन समेत कई सामाजिक संगठन शामिल रहे, जिनसे जुड़े लोगों ने 10 लाख सरकारी नौकरियों और सफाई कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की।